नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल जो कि अपना हाई राइज प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 37D में और ऑलरेडी वहां पे नवराज में 37D के अंदर भी अपना प्रोडक्ट है वो ला रहा है हाई राइज का। दोस्तों ये मैं जस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ और मैं थोड़ा सा रिसर्च करके जो ओपिनियन कहता है मैं अपना ओपिनियन आपके सामने ये है वो रख रहा हूँ। और आपका ओपिनियन क्या कहता है इन दो प्रोजेक्टों के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं कैसे सोच रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, मेरी क्या सलाह है, वो मैं अपने हिसाब से आप लोगों के साथ है शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबके सोचने के तरीके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, सबके इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, सब फ्यूचर को कैसे देखते हैं, मैं कैसे देखता हूँ, ये सब सारी चीजें हैं डिफरेंट है दोस्तों। तो जस्ट आज से इस वीडियो में हम रिव्यू डालने वाले हैं दो प्रोडक्टों में कि आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर किस में जा सकती है, अगर आप एक एंड यूजर हैं तो आप किस में बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कल को प्रॉपर्टी बेचनी भी है आपको तो किस में बेचने के चांस सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, क्या प्रोफाइल है, किस में जाएं, कैसे करें, क्या करें, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों और आपने अपना रिव्यू जरूर देना है कि आप कैसे सोचते हैं इस एरिया के बारे में और आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है दोस्तों ताकि हम ये चेक कर सकें कि कौन किस हिसाब से क्या ओपिनियन दे सकता है और क्या मानना है आगे आने वाले कुछ सालों का। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोनों ही डेवलपर हाई राइज प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और दोनों की ही अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल में सिग्नेचर ने अपना आईपीओ है वो लॉन्च किया है, अफोर्डेबल के अंदर है इन्होंने काम किया है, दीन दयाल के अंदर इन्होंने काम है वो किया है, तीनों कंसेप्ट में इन्होंने एससीओ प्लॉट भी इन्होंने है वो है लॉन्च किए हैं, यानी ये आईपीओ भी लॉन्च कर चुके हैं अपना, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अफोर्डेबल लॉन्च कर चुके हैं, पोजीशन दे चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है दीनदयाल, पोजीशन दे चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हैं, एससीओ ऑलरेडी ये बेच चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल है सिग्नेचर ग्लोबल की अच्छी खासी प्रोफाइल आती है, फाइनेंस काफी अच्छे बैंक से इनको मिलता है, अच्छे खासे है मतलब बैकअप अच्छा है ये मान सकते हैं। अगर हम प्रोफाइल नवराज की देखें तो नवराज ने अभी तक 37D में मिड सेगमेंट का G+5 का एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया था तकरीबन मार्च अप्रैल के अंदर, लेकिन आज उसका रिस्पांस है काफी अच्छा है रिटेलिंग के अंदर, इन्होंने वहां पे 2250 और 2550 के यहाँ पे 3 और 4 BHK की प्रॉपर्टी है उन्होंने मिक्स सेगमेंट में लॉन्च किया था 37D में ही, बहुत अच्छा रिस्पांस वहां पे है, रिसेल वैल्यू आज इस प्रोडक्ट के अंदर दिखती है, जिस हिसाब की लोकेशन है उस हिसाब का लेआउट पूरे 37D सेक्टर के अंदर नहीं है, यहां तक कि किसी अदर प्रोडक्ट के अंदर आप जिस प्रोडक्ट को सबसे बेटर मानते हैं जिस डेवलपर को उस डेवलपर की कंपैरिजन इसका लेआउट बहुत गजब का है। अगर आपने इनका सैंपल फ्लैट नहीं देखा है तो देख के आना। अगर मैं सिग्नेचर के लेआउट और इसके लेआउट को मैच करूं तो इन्होंने एक ही प्रोडक्ट में ये दिखा दिया कि हम प्रोडक्ट के लेआउट और रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये पहले लैंड एक्विजिशन का काम करते थे पिछले 20 साल से, लैंड को खरीदा आगे डेवलपर को बेच दिया, कुछ फार्म हाउस फिर कुछ इन्होंने कॉलोनीज के बारे में इन्होंने डेवलपमेंट किया है। तो अभी ये भी अपना हाई राइज प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं द्वारका एक्सट्रैक्शन में। हाई राइज का एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं हाई राइज प्रोडक्ट के बारे में तो इनका भी फ्रेश एक्सपीरियंस है और इनका भी फ्रेश एक्सपीरियंस यानी पहला, यानी ये भी पहले हैं और ये भी पहले हैं, दोनों ही डेवलपरों के जो प्रोडक्ट हैं वो पहले हैं। देखो ये बनाने में दिक्कत नहीं है, ये बनाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ हाईराइज में, हाईराइज में डेवलपर का पता चलता है कि वो कितने पानी में, हाईराइज में पता चलता है डेवलपर के पास कितना बैकअप है, हाईराइज में पता चलता है कि डेवलपर कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रखा है, हाईराइज में पता चलता है कि वो किस तरीके की एमिनिटीज और किस तरीके का लुक यहाँ पे प्रोडक्ट है वो आपको प्रेजेंट करता है। दोस्तों चाहे कुछ भी बना लो, प्लॉट है आसानी से कट जाते हैं, दीनदयाल के फ्लोर हैं आसानी से बन जाते हैं, 4-5 फ्लोर है वो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पिलर खड़े करके उसमें ब्रिक से चीजें बना सकते हैं, अफोर्डेबल है, हाँ आईपीओ है ये मैंने, ठीक है जी। हाई राइज के अंदर ही आपको पता चलेगा कि डेवलपर की क्वालिटी क्या है डेवलपमेंट करने की, ठीक है उसके अंदर ही है, क्योंकि घर आपको उसी के अंदर जाके मिलेगा। मैं तो दोनों को फ्रेश मानता हूँ जी, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं तो दोनों को फ्रेश मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने हाई राइज प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च डिलीवर नहीं किया हुआ, तो ये जो डिलीवर करेंगे तब मैं ये जानूंगा, ये भी डिलीवर करेंगे तभी मेरा ओपिनियन रहेगा जी बेटर है।
अब कंपैरिजन हम ये करेंगे आगे वीडियो में कि इन दोनों प्रोडक्टों के अंदर सबसे बेटर एबिलिटी, सबसे बेटर फीचर किस प्रोडक्ट का है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है आगे 10 साल के अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर ये डिमांड बढ़ने वाली है। मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट हो गया। जब हम कोई प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को बाय करने जाते हैं या इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या सेल्फ फंडिंग के लिए लेते हैं, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड हमने देखा कि डेवलपरों में, दोनों में ही अगर बैकग्राउंड की बात करें तो दोनों ही डेवलपर, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन इसका इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा डिलीवर नहीं किया है, लेकिन ये बड़े कॉन्फिडेंशियल से कहते हैं कि हम मार्केट में बहुत ही अच्छा कुछ लेके आने वाले हैं। और ये चीजें अगर मैं इनके पुराने प्रोजेक्ट से देखूं जो 5 फ्लोर तक का इन्होंने लॉन्च किया था, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो सुपर फास्ट है, और जो लेआउट और जो डिजाइन है, जो सारी चीजें हैं, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है उस प्रोडक्ट से कि ये आगे भी कुछ बेटर करेंगे, क्योंकि हाई राइज के अंदर कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों ही प्रीमियम लेके आ रहे हैं। हो सकता है शाहपुर जी आ जाए, टाटा आ जाए, कोई आलोवाली आ जाए, कोई भी, लेकिन आएगा प्रीमियम ब्रांड दोनों में, दोनों ही माइवन कंस्ट्रक्शन के हैं। उसके बाद जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं लोकेशन की। चलिए मैं एक यहाँ पे ना मैप बना देता हूँ, ठीक है जी। ये द्वारका की तरफ से ऐसे, और फिर ये ऐसे चला जाता है अपना द्वारका एक्सप्रेसवे, हम इसको मानते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है जी। और यहां से ये आ जाती है जी रेलवे लाइन। आपको प्रॉपर समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आप एक एक चीज समझ जाओ। फायदा क्या है अगर हम चीजों को अधूरा छोड़ दें? अधूरा तो छोड़ना ही नहीं है ना, चीजें ही समझनी है। जब आप यहाँ पे, हम इसको मान लेते हैं NH8 फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो हम जैसे ही यहां से आते हैं तो इसके नीचे से ऐसे, ये फ्लाईओवर है रेलवे लाइन का, इसके नीचे से ऐसे यू टर्न लेते हैं सर्विस लाइन से, और ऐसे हम चले जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया नाला, हमने यहाँ पे नाले का भी वो दे दिया ताकि आप और बढ़िया से समझ पाओ। तो नाले के ऊपर से ही ये ऐसे है जी 24 मीटर रोड जो अंदर चला जाता है सिग्नेचर की साइड, ठीक है। ये तो नाला हो गया जी जो 90 की तरफ से आएगा, और इस रोड के यहां से अगर यहां से आ रहा है इसके नीचे से, ये है जी नाला, मैंने इसको बराबर से भी यहां से भी दे दिया नाला का, ठीक है। तो यहां से दे दिया इसको रामप्रस्था का गेट, ठीक है जी। इस नाले के ऊपर से ये हो गया रामप्रस्था का गेट, ठीक है जी। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, इसके बगल में यहां से है जी ये 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट है, ठीक है, कमर्शियल बेल्ट हो गई। उसके बाद ही एक जैसे कि ये 24 मीटर रोड है, ये ऐसे आना है, ठीक है, इस कमर्शियल बेल्ट में मिलना है। उसके बाद है जी यहां से भी एक रोड ये है, ये इस कमर्शियल बेल्ट से ऐसे जाएगा अंदर की साइड, ठीक है। ये 24 मीटर रोड है, ये भी 24 मीटर रोड है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 24 मीटर रोड है बना हुआ है, यहाँ पे है जी मिलेनिया 4 सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल प्रोडक्ट, ठीक है। ये कौन सा है? अफोर्डेबल प्रोडक्ट। लोकेशन समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अफोर्डेबल प्रोडक्ट के बीचों बीच ये 24 मीटर का रोड है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ही टावर इनके हैं, और इस पे से ये है, और यहाँ भी इस नाले तक यहाँ पे इनका कमर्शियल आता है, ठीक है। यानी अफोर्डेबल की भी 3 पार्सल है, 2 टावर इधर है, बाकी टावर इधर है, फ्रंट में कमर्शियल है। अगर हम हाई राइज की बात करें तो हाई राइज का भी कंसेप्ट ऐसा है दोस्तों, ये ऐसा है, यहां से 24 मीटर रोड इन्होंने बना दिया, ये 24 मीटर रोड आ गया है। तो यानी ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 2, ये पार्ट हो गया 3, यानी 2 24 मीटर रोड देखा जाए तो ये भी पार्ट सेम 3 के अंदर आता है। तो यहाँ भी जो हाई राइज आएगा, ये कह रहे हैं हम 2 टुकड़े में लेके आएंगे, एक टुकड़ा ये है जी, दूसरा टुकड़ा यह, हो सकता है यहाँ पे स्कूल आ जाए, हो सकता है यहाँ पे कमर्शियल आ जाए। और इस पार्ट की अगर हम बात करें, इधर है जी दीनदयाल के फ्लोर। अब इन चीज को ना थोड़ा सा ना सीरियस होके सुनना, इनके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट यहीं पे पता चल जाएंगे आपको लोकेशन के अंदर, ठीक है जी। ये तो हो गया सिग्नेचर ग्लोबल का पार्ट। उसके बाद ये जो 24 मीटर रोड आ रहा है यहाँ से, हो सकता है ये रोड इधर उधर हो थोड़े बहुत, लेकिन मेरा पॉइंट आपको समझाने का है। तो ये 24 मीटर का रोड है, ये इनकी लैंड पार्सल है, यानी 3 सेक्टर रोड लगते हैं, एक इधर से 24 मीटर रोड, इधर से 24 मीटर रोड, इधर से 24 मीटर रोड, ये बाउंड्री होगी। यानी प्रोडक्ट के बीचों बीच किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, कोई रेवेन्यू रास्ता नहीं है, और ये लैंड पार्सल आता है जी आपका नवराज का, जो कि हाई राइज आ रहा है।
जस्ट दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप दो प्रोडक्टों में से बेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर रहने का की जगह और बढ़िया फ्लैट किस में ले लें वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मार्केट की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के साथ में ये डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नेचर से लेके। सिग्नेचर में क्या है कि आपके जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि एमिनिटीज की बात करें, क्लब हाउस आ रहा है जी 40,000 का इधर आएगा, 40,000 का इधर आएगा, ये डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि दोनों बीचों बीच पार्ट में है, दो पार्ट के अंदर। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इस प्रोडक्ट के अंदर, मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रॉपर्टी की जो फेसिंग है वो अफोर्डेबल फेसिंग आ रही है। अगर मैं जी दिल्ली की साइड से आ रहा हूं, दिल्ली की साइड से आ रहा हूं, तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ये मुझे ज्यादा विजिबिलिटी देगा देखने के लिए। उसके बाद जब मैं आगे चला जाऊंगा तो पहले मुझे अफोर्डेबल दिखेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट दिखेगा क्योंकि इसके फ्रंट में अफोर्डेबल आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे ये दिखाई देगा और उसके आगे अगर चलता जाऊंगा तो ये जो द्वारका एक्सप्रेस ये दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, मैंने थोड़ा नजदीक दे दिया तो दूर हो गया, तो प्रोडक्ट भी थोड़ा दूर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ के साथ कमर्शियल वैल्यू जा रही है, ठीक है जी। उसके बीच में और भी काफी लैंड पार्सल बचा हुआ है, हो सकता है वहां भी कोई हाई राइज आ गया, तो ये प्रोडक्ट दबा हुआ लगता है मुझको। ये मेरा ओपिनियन है, बुरा नहीं कह रहा है, लेकिन मेरा ओपिनियन है। उसके बाद मान लीजिए आपने कोई फ्लैट लिया, हो सकता है आपकी फेसिंग रामप्रस्ता के साइड आ जाए, पुरानी डेवलपमेंट के साथ आ जाए, इस साइड हो जाए, इधर का फ्लैट आ गया तो जी आपका अफोर्डेबल के साथ में फेसिंग हो सकती है, पीछे चले गए तो लो राइज का दीनदयाल आपको कॉन्सेप्ट नजर आएगा दूर दूर तक। तो यानी आप मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास तो ले रहे हैं लेकिन उसके आसपास की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर रहे हो। अगर मैं उसकी बात यहाँ पे कर देता हूँ, नवराज के फ्रंट में जी यहाँ से 24 मीटर रोड, यहाँ से 24 मीटर रोड, यहाँ से 24, इसके सामने देखोगे तो रामप्रस्ता के प्लॉट की टाउनशिप है जी, खाली एरिया है, ठीक है, प्लॉट काटे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे नवराज की 25 एकड़ की लैंड पार्सल आता है, नवराज खुद ही प्रॉपर्टी यहाँ पे डेवलप करेगा, लेकिन उसके पास में सबसे मेजर जो बेल्ट है जी वो द्वारका एक्सप्रेसवे की बिल्कुल बगल में, और उसके पीछे है जी कमर्शियल, यहाँ पे AMB का आपका कमर्शियल बना हुआ भी है। यानी तीन सेक्टर मेजर रोड है, कमर्शियल बेल्ट है, आप जल्दी एक्सेस हो जाते हो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, जल्दी आ जाते हो। अगर जब आप यहां से जैसे कि अगर आज CPR पे जाते हो, आप लोग CPR पे जाते हो तो एक ही प्रॉपर्टी नजर आती है ना, कौन सी, करिश्मा। जब मैं करिश्मा बेचने जाता था ना, गांव से जाता था, ना तो CPR था ना ही द्वारका एक्सप्रेस से इतना उबर के आया था, तो रास्ते नहीं थे वहां जाने का, तो कस्टमर पता क्या कहता था, यहाँ जंगल में कौन आएगा रहेंगे, मैं सर देख के जाना, क्योंकि प्लान का पता था। उस टाइम 8,000 रुपए पे के लमसम करिश्मा बिकता था, तो करिश्मा में जो भी इन्वेस्टर हमने एंटर किया, आज वो बेचने के लिए रेडी नहीं, मैं सर बेचना नहीं है, ये कमा के देखे जाएगा, जबकि 100% तक का रिटर्न वहां पे मिल चुका है, रिसेल पे सिर्फ 70% की पेमेंट जाने पे। तो जब हम चीज को ये नहीं सोचेंगे कि आगे वाला जो फ्यूचर है क्या ग्रो करेगा, दोस्तों मैं फ्यूचर को ट्रैक करता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी में आज खरीद तो रहा हूँ लेकिन आज मिल नहीं रही है, मिलेगी 4 से 5 साल में, तो मैं 4 से 5 साल की R&D करता हूँ कि 4 से 5 साल में वहां पे होगा क्या, क्या लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या बच्चों की ग्रो होके आ रही है, बच्चों का स्टाइल कैसे बदल रहा है। हम अगर वर्किंग करते हैं तो, क्योंकि आने वाले टाइम में टाइम नहीं होगा, हम है ना गाड़ी जल्दी चला सकते हैं, लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो 2 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन उसी के अंदर आध घंटा या 1 घंटा लग रहा है, तो क्या फायदा है, आप एक चीज ऐसी लो ना कि दोबारा रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास की अगर चीजों में हम जाते हैं ना तो फ्यूचर के अंदर दिक्कत नहीं आती है, ताकि इन चीजों का आप R&D करके एक बेटर चीज, मान लीजिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें करते हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें करते हैं, आप इन्वेस्टर हो गए, अब आपकी प्रॉपर्टी खरीदने कौन आएगा, एंड यूजर ये देखना है कि इन दोनों प्रोजेक्टों में सबसे बेनिफिशियल चीज क्या है, क्योंकि जब एंड यूजर आएगा ना, ये दोनों प्रोडक्ट रेडी होंगे तो आपका जो बायर है जिसको आप बेचने जाओगे वो तो देख के लेगा ना। आज तो अगर आप खरीद रहे हो तो खाली जमीन के ऊपर खरीद रहे हो, आपको थोड़ी ना पता है कि कैसे क्या बन के आएगी चीजें। मैं अगर यहाँ बात करूं तो मैंने पॉजिटिव पॉइंट ये निकाला, यहाँ है एक मास्टर बेडरूम, इस प्रोडक्ट में आएंगे जी 2 मास्टर बेडरूम, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर आपके साथ फैमिली रह रही है, माता पिता रह रहे हैं और एक मास्टर बेडरूम है, तो आप किसको देंगे, आप यूज करेंगे या माता पिता को, तो थोड़ी सी इमोशनल होता है। यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम है, एक आप यूज करो एक माता पिता को दो, तो दोनों ही प्रॉब्लम सोल्व हो गई, ठीक है जी। एंड यूजर को
एक की तरफ ज्यादा झुका हो जाता है, क्योंकि उस टाइम ये बिल्डिंग ये भी खड़ी होगी, ये भी खड़ी होगी। उसके बाद बात करते हैं जी एमिनिटीज की। एमिनिटीज के अंदर पूरा लैंड पार्सल के अंदर एमिनिटीज है। यहाँ पे दो पार्ट के अंदर है क्लब हाउस है, वो डिवाइड हो गए हैं जी दो दो। यहाँ पे 1 लाख का इकट्ठा क्लब हाउस है, और ये तो ये भी बोल रहे हैं कि हम 37 स्टोरी के ऊपर भी क्लब हाउस बनाएंगे। 37 स्टोरी के ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर दिखेगा, पूरा का पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, नई डेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट आपको उभरती हुई नजर आएगी। क्योंकि उस टाइम तक जितने भी अपार्टमेंट नई डेवलपमेंट आ रही है, सारे के सारे हाई अपार्टमेंट आ रहे हैं। तो आपको ऐसी ही डेवलपमेंट चाहिए कि आपके बराबर की चीजें चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका स्पोर्ट्स एरिया सारा इसके अंदर आ जाता है, मुझे तो ये थोड़ा बेनिफिट ये लगा। दूसरा है कि 3 साइड ओपन है, बिल्कुल जड़ में तो कोई प्रॉपर्टी आ ही नहीं सकती, ठीक है जी। पीछे कमर्शियल बेल्ट है, एएमबी है, हो सकता है कमर्शियल ज्यादातर इतने हाइट पे आते नहीं है इन बेल्टों के अंदर, क्योंकि बेल्ट में आएगा तो ग्लोबल सिटी के अंदर आएगा जी, जहां पे एफएआर आपका 6.17 है, एफएआर आता है जी, वहां पे तो प्रॉपर्टी वैसे ही हाइट जानी है। उसके बाद अगर आपको जाना है जी एयरपोर्ट वगैरह है, तो आप यहीं से जल्दी एक्सेस हो जाते हैं, आप कहीं भी जाओ जी, क्योंकि आप जल्दी बाहर निकलोगे। यहां से आप निकल के आओगे जी, यहां से ऐसे 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 निकल के आना है। अगर आप डायरेक्ट से भी यहां से भी अगर, क्योंकि जब तक ये कमर्शियल बेल्ट नहीं बनेगी तो ये रोड तो नहीं बनेगा, तो आना पड़ेगा इसके नवराज के आगे से ही घूम के। तो ये पॉइंट आता है जी। दूसरा है कि आपका जो भी ये दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर माइवन कंस्ट्रक्शन है, ब्रांड अच्छा लेके आने का प्लान है, तो और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा दबा हुआ नजर आता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर फ्रंट में अफोर्डेबल है, पीछे दीनदयाल है, तो ट्रैफिक काफी रहने वाला है। यहां से थोड़ा सा विजिबिलिटी आपकी इधर की बढ़ जाती है। उसके बाद है जी सिग्नेचर अपना यहाँ पे कुछ प्लान बना रहे हैं, यहाँ भी आइकोनिक का कुछ प्लान बना रहा है, जो कि रेलवे लाइन के बिल्कुल बगल से है। आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब रेल आसपास जाती है प्रोडक्ट के पास, वाइब्रेट होता है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद ये जो एरिया है जी पूरा पानी का है, 100 सेक्टर है एंड 101 सेक्टर, ये पूरे पानी के हैं, जिससे पूरे गुड़गांव के अंदर पानी आपका सप्लाई होता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखा जाए तो आपके बगल से ये नाले हैं, नाले तो भूल जाओ, नालों का कोई इशू नहीं है, क्योंकि नाले खत्म हो रहे हैं। आप, मैंने नाले के ऊपर वीडियो डाली हुई है, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। ये तो थी जी लोकेशन के बारे में प्रोडक्ट। अब बात करते हैं जी आपके पेमेंट प्लान कौन से अच्छे होना चाहिए, सीएलपी या पीएलपी। यानी सिग्नेचर तो अभी तक मैं, मुझे सीएलपी ही देखा है ज्यादातर, ठीक है। या आपको देखा होगा ज्यादातर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ही सिग्नेचर के अंदर आते हैं। पीएलपी का भी कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं है कि सिग्नेचर इस टाइप का लेके आएंगे। इनका प्लान मुझे सुनने में आ रहा है जी 30, 30 एंड 40 का प्लान ये लेके आएंगे। ये 30% में भी तीन तरीके के 10%, 10%, 10% और दो दो महीने का गैप, यानी एक पेमेंट में 5 से 6 महीने लग जाएंगे। ये आपकी 30% वन टाइम नहीं जा रही, ये फिर जा रही है जी सुपर स्ट्रक्चर पे, ठीक है जी। इस पेमेंट का मेन रोल क्या है जी, आप जब 40% की पेमेंट करेंगे सुपर स्ट्रक्चर पे, आपका ये एरिया है ना बन के उभर के दिख जाएगा कि आपको 40% की पेमेंट करनी है या बेचना है, रखना है, क्या करना है, आपके सामने वो क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियरिटी तो असल में सेकेंड ही पेमेंट पे आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में मोस्टली 1.5-2 महीने में 70-80% की तक की पेमेंट चली जाती है, डिपेंड होता है, हो सकता है 50-60% की भी। आप अपना रिव्यू डालते रहिए दोस्तों कि आप कैसे सोच रहे हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा लीक हुआ नहीं है, यहाँ पे ये हो चुका है, ये बेनिफिट है। रेट हम डिस्कस नहीं कर सकते, प्राइस कौन सा बेटर है, क्योंकि दोनों में ही कोई ज्यादा अंतर है नहीं, बट साइज का भी बहुत अंतर है उसके अंदर, 2 साइज है उसमें, 3 से 4 साइज आ रहे हैं, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें ही प्रोडक्ट को समझने में आपकी हेल्प करती हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फ्यूचर नहीं देखोगे आप नहीं कर सकते अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छा घर नहीं ले सकते, क्योंकि मकान बार बार थोड़ी लिया जाता है और इन्वेस्टमेंट भी बार बार नहीं की जाती। अगर आप एक बार एक इन्वेस्टमेंट में अटक गए तो निकलना भारी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए दोस्तों सोच समझ के प्रॉपर्टीज खरीदो, R&D करके प्रॉपर्टी खरीदो और थोड़ा सा गहराई से सोचो। तो और अगर आप पेमेंट प्लान के रिगार्डिंग कुछ और डिस्कस करना चाहते हो तो आप मिल सकते हो ना यार, आओ बैठो समझो और प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू किस में करना है, कैसे करना है। यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं सूट हो रही तो और भी बहुत कम से कम 15-20 प्रोडक्ट नए आ रहे हैं बाजार के अंदर, बैक टू बैक प्रोडक्ट हैं। इस साल दबा दबा हाई राइज अपार्टमेंट आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों
वीडियो पसंद आई तो शेयर और अपना रिव्यू जरूर डालें, अपना ओपिनियन जरूर डालें कि आप क्या सोचते हैं इस एरिया के बारे में। वैसे मैंने इस एरिया के बारे में सभी वीडियो बना रखी हैं, आप चाहो तो एक एक करके देख सकते हो, आपको हर वीडियो के अंदर अलग इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।